हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो फाइनली आ गया है मैत्री गार्डन जाने का पार्ट टू। तो पार्ट वन मैंने शेयर किया है, आप लोग पहले वाली वीडियो पे जाके प्लीज़ चेकआउट करिए और वॉच करिए। तो गाइस, आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दिल से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हो बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली हम मैत्री गार्डन के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे देखो क्या क्या बर्ड्स है, क्या क्या एनिमल्स है, वो मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है गाइस, मेंशन किया गया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें आपको दिखाऊँ ताकि मुझे ऐसे बार बार आपको बोलना ना पड़े। हाँ गाइस, और एक चीज़ मेरे मन में है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये तो सही है कि हमारे देश में ऐसे नेशनल पार्क्स होते हैं, ऐसे मैत्री गार्डन होते हैं जहाँ पे एनिमल्स को या बर्ड्स को सुरक्षित रखा जाता है ताकि उसकी जो प्रजाति है वो विलुप्त ना हो, बनी रहे। लेकिन दूसरी ओर अगर मैं देखूँ तो उसे एक ऐसे पिंजरे में कैद करके रखना भी मुझे सही नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं गई ना, तो सच सच बताऊँ आपको, मुझे घूमने फिरने में तो काफ़ी इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है ऐसे फैमिली के साथ घूमने में। बट जब मैं यहाँ पे गई ना तो मुझे बिल्कुल भी दिल से खुशी महसूस नहीं हुई। लेकिन बच्चों का मन था, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, मन के सच्चे होते हैं, उनको बस देखना है, घूमना है, फिरना है, ऐसा रहता है। तो बस उनको घुमाने के पर्पज़ से हम लेके गए थे, बट मुझे दिल से बिल्कुल खुशी नहीं हुई मैत्री गार्डन जाके। कोई भी एनिमल्स या जानवर यहाँ पे नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उतनों को भी उस यहाँ पे रखा गया है। ये मुझे बहुत बुरी लगी यार। हम जैसे फ्री रहते हैं ऐसा ह्यूमन, मुझे लगता है कि ऐसे बर्ड्स को, एनिमल्स को भी फ्री लाइफ जीनी चाहिए, खुले आसमान के नीचे ऐसे इन्वायरमेंट में, तो ज़्यादा अच्छा लगता है या उनकी लाइफ साइकिल ज़्यादा दिन तक चलती है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग अगर सहमत होंगे तो वीडियो पे प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और परमानेंट सब्सक्राइब करना, आप लोगों से मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो चलो आप लोग मेरे साथ बने रहो, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है गाइस, ऐसे ही आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर वीडियो मैं डेली नहीं अपलोड कर पाऊँगी। और मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं पहले के जैसे रेगुलर हो जाऊँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोल रखा था यूट्यूब में छोड़ने वाली नहीं हूँ, ना ही मैं कभी छोड़ूंगी। बीच बीच में मैं गायब हो जाती हूँ, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। जिस दिन टाइम आएगा मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी अपनी लाइफ के बारे में। तो आप लोगों से होप है आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करो, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। ओके गाइस, तो चलो आप लोग वॉच करो, मैं आप लोगों से मिलते रहती हूँ बीच बीच में। ओके Thank you.
out again. It's a rich kid. फाइनली हो चुका है शाम और हम लोग जा रहे हैं वापस घर जा रहे हैं वापस घर जाने के लिए बस घूम के आ गए हैं। तो चलो घर जाने की बात आपको बताते हैं। ओके बाय। सो एवरीवन, आप देख सकते हैं कि काफ़ी शाम हो चुका है और आज का जो पूरा दिन है वो ऐसे ही निकल गया। सो फाइनली सब घर की तरफ जा रहे हैं, हम लोग भी घर की तरफ जा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लव यू गाइस, सी यू सून, बाय।